हरियाणा में धान कटाई सीजन के बीच हो रही रबी की फसलों के लिए डीएपी खाद को लेकर मारामारी शुरू हो गई है। कोसली में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाहर डीएपी खाद लेने के लिए पहुंचे हैं किसानों को घंटों लंबी कतार में खड़े होने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रही। किसानों का आरोप है कि खाद वितरण में अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, भाई भतीजावाद के आधार पर अपने जानकारों को खाद उपलब्ध करवा रहे हैं और प्रशासन से उचित प्रबंध किए जाने की भी इस दौरान मांग की गई। क्या कहते हैं अधिकारी? ये अधिकारी कभी तीन की मशीन फेल हो जाती, कभी इतनी हो रहा है, कभी भुट्टे नहीं आ रहे मशीन में, यहाँ परेशान हो रहे हैं। और क्या आराम से बैठे हैं? बैठे हैं, हाँ, नहीं कोई यही लग रही गटमट हो रही है आपस में पब्लिक। यहाँ पर आप सुबह का खड़ा हूँ और लेडीज खड़ी है ना, पहले अपने आदमी दे रहे हैं। डीएपी खाद की समस्या सामने आ रही है। हम सुबह 6 बजे आए थे यहाँ पे, मैं और मेरी मिसिज, हमें डीएपी नहीं मिला, जो हमारे बाद आया था उनको पहले दे दिया डीएपी और हमें यहाँ पे खड़े हुए हैं। अपने आदमी रुपये पहले दे रहे हैं, कम से कम 200 कट्टे बांट चुके हैं ये अभी, और अभी 25वां नंबर भी नहीं आया है इनका। तो परेशान सभी जमींदार परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार तो चाहती है कि जमींदार परेशान हो। सरकार चाहती है, सरकार चाहे तो प्रशासन चाहे तो लाइन बट जाए डीएपी। यहाँ के अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी लाइन में और लाइन में। कल हमने 600 कट्टे की गाड़ियाँ मंगाई है, वो एफर्ट से जो हमारा अपर कोर्ट था वो आज नील हो गया है। इसके बाद 2 दिन बाद फिर इको का रैग लगेगा। पीछे से खाद की आपूर्ति, ये सभी प्रशासनिक अधिकारी को ही पता है कि खाद की थोड़ी सी किल्लत चल रही है और सभी इसमें लगे हुए हैं और जल्दी इसकी उसको दूर कर दिया जाए। यहाँ देखो पुलिस वाले भी खड़े हैं, जानकार तो किसी का कोई भी नहीं है। यहाँ पर मैं अपना भी अपने लिए भी खाद मिले तो खाद के लिए लाइन लगी हुई, सबको टोकन लिया और पुलिस वाले ने टोकन लेडीज का टोकन दिया हुआ, उसी अनुरूप ही काम कर।